जसिकालाल मर्डर केस की जसिकालाल हत्याकांड के दोषी मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया है। मनु शर्मा के जेल में अच्छे आचरण की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल ने सजा समीक्षा बोर्ड की सिफारिश के बाद मनु शर्मा को रिहाई की इजाजत दे दी है, जिसके बाद मनु शर्मा को जेल से रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि 1999 में जसिकालाल हत्याकांड में दिल्ली हाईकोर्ट ने 2006 में मनु शर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। एलजी की मंजूरी के बाद मनु शर्मा को जेल से रिहा किया गया है। मोहित बख्शी हमारे साथ और ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, क्या कुछ प्रक्रिया होती है, क्योंकि हाई प्रोफाइल ये केस था, सवालों के घेरे में हमेशा ये केस रहा है, मनु शर्मा के चाहे पेरोल पे जाना हो तो ऐसे में उनको सजा माफी किस आधार पे मिली और क्या प्रोसेस होता है? जो सेंटेंस रिव्यूइंग बोर्ड होता है, जिसमें जो दिल्ली सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, साथ ही साथ जेल प्रतिनिधि होते हैं और खुद मंत्री होम मिनिस्टर जो होते हैं दिल्ली के, वो होते हैं, तमाम लोग जो थे वो रिव्यूइंग कमेटी में थे। उन्होंने पूरा इस पूरे मामले को देखा है और कई बार जो मनु शर्मा का मामला था वो सामने आया था, लेकिन बार बार वो रिजेक्ट हो जा रहा था। अब की बार जब ये मामला सामने आया और साथ में 18 अन्य लोग भी थे जिनका रिव्यू किया गया है सेंटेंस को, और तमाम 19 लोगों को अभी राहत दे दी गई है, उनका सेंटेंस खत्म कर दिया गया है। 2023 में ये सेंटेंस खत्म होना था, लेकिन अभी सेंटेंस रिव्यूइंग बोर्ड ने जो ये निर्णय लिया है उसके बाद उनको रिहा कर दिया गया है। जी जी, तमाम अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।